चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सेक्रेटरी डीएमए जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अरवाने गिरधर, सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू श्री वी आई कुमार सिंह, एफएडीएस श्रीमती रशिका शोभे, श्री अविनाश दीक्षित एडिशनल सीजीडीए, श्रीमती मंजू कुमार चीफ ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली सर्किल, रक्षा मंत्रालय के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज ये कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपकी एफएडीएस रसका जी ने आभार व्यक्त किया है कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मैं समझता हूँ कि कुछ कार्यक्रम परिवार हो अथवा कोई गैदरिंग हो, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी ही होती है, क्योंकि यह कार्यक्रम तो मेरा है, तो आभार व्यक्त करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं किसी सोसाइटी में अथवा अपनी फैमिली में मर्यादाओं का, शिष्टाचार का एक महत्व होता है, शायद उसी को इन्होंने पूरा किया है। आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हुई है और यह कॉन्फ्रेंस विभाग के लिए नीतियों का निर्माण करने, व्यवस्थाओं में आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान खोजने, यह विभाग की दिशा तय करने में बहुत ही अहम साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं सीजीडीए और कॉन्फ्रेंस से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, आज पुनः आप सबसे मुलाकात हो रही है और मैं मानता हूँ यह संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी। मंत्रालय और विभाग में इस तरह के संवाद का सिलसिला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वाद संवाद नए नए आइडियाज को जन्म देते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए जैसे ही मुझे इस आयोजन के बारे में बताया गया, मैंने सहज रूप से तुरंत यहाँ आने की अपनी कंसेंट दी। साथियों, हमारे जीवन में लेखा जोखा, अकाउंट, ऑडिट, इनकी क्या अहमियत है, इस पर बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। कोई इंडिविजुअल हो अथवा परिवार हो, समाज हो और या फिर कोई संगठन हो, बिना लेखा जोखा पर ध्यान दिए वह ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनकी एक लिमिट है, उनकी एक सीमा है। ऐसे में उपलब्ध और सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और दुनिया में कोई कितना भी अमीर आदमी क्यों न हो, पर किसी न किसी मोड़ पर उसे भी वित्त, फाइनेंस और संसाधन यानी रिसोर्सेस की जो लिमिट्स होती हैं, उसका अनुभव होता है कि इसकी सीमा क्या है। और ऐसे में रिसोर्सेस कहाँ और कैसे खर्च किए जाएं, इसका हिसाब किताब रखना भी यह आवश्यक होता है। साथियों, संसाधनों की सीमितता यानी लिमिटेशन के कारण ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, मैं मानता हूं। इकोनॉमिक्स की परिभाषा अगर हम देखें तो पाएंगे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम एंड अ ग्रेट वेराइटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इशूज ऑफ वाइटल कंसर्न टू सोसाइटी। और इस तरह की फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी की जरूरत मानव को हमेशा से हो रही है। और यही कारण है कि हम इतिहास का कोई भी पीरियड उठाकर देखें, उसमें वित्त व्यवस्था या वित्त के हिसाब किताब की व्यवस्था यह अनिवार्य रूप से मिलती ही मिलती है। अब आप लोग युवाल नोवा हरारी की एक बुक है सेपियंस के बारे में तभी लोग अवगत नहीं होंगे, तो कुछ लोग जरूर अवगत होंगे। इस पुस्तक में वह वर्णन करते हैं कि इतिहास में हमें जो पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है वह एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है। और मेसोपोटामिया में मिले इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में एक जगह
37 मंथ्स के दौरान बार्ली की 29,086 यूनिट्स की रिसीविंग दर्ज की गई है और उसके नीचे कुशिम नाम के किसी व्यक्ति का सिग्नेचर बना हुआ है। अंदाजा लगाया जाता है कि इतिहास का वो प्रथम ज्ञात व्यक्ति होगा, कोई अकाउंटेंट ही रहा होगा जिसने यह सिग्नेचर किया होगा। और इस आधार पर यदि हम देखें और यदि कहा जाए कि लिखित रूप में विश्व इतिहास का प्रारंभ हिसाब किताब यानी अकाउंटेंसी से आप कहते हैं अकाउंटेंसी से यह प्रारंभ होता है तो यह गलत नहीं होगा। और आप लोगों की जड़ें इतिहास के प्रारंभिक पन्नों से जुड़ी हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको यहाँ पर हार्दिक बधाई देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई नई शुरुआत हो रही, आप लोगों का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और अकाउंटेंट की महत्ता इस बात से भी समझी जा सकती है कि हमारे यहाँ हर घर में एक दो अकाउंटेंट आपको जरूर मिल जाएंगे जो घर परिवार दुकान व्यापार नाते रिश्तेदार के होने वाले लेन देन का भले ही लिखित रिकॉर्ड न रखते होंगे लेकिन जुबानी रिकॉर्ड जरूर रखते होंगे और हमारी जो बहनें यहाँ पर मौजूद हैं ये तो जरूर करती होंगी। और जो लोग गांव से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि यह रिकॉर्ड अनेक परिवारों में प्रायः बूढ़ी माताओं के पास होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो घर में यदि कोई आती है बाहर से शादी होने के बाद तो अभी कुछ ही महीनों के बाद हिसाब किताब रखना शुरू कर देती है। और किसी परिवार में कब कोई शादी थी और उसमें किस रिश्तेदार ने कितना शकुन देते हैं, कितने कपड़े मिले, कितने बर्तन और मिठाइयां मिली, दिया किसने दिया, यह सब कुछ ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो कि बिल्कुल जुबानी याद है। और आप लोगों में से भी बहुत गांव के रहने वाले लोग होंगे, शहरों में भी जब कोई बाहर से आता है शादी ब्याह के अवसर पर कोई शकुन नहीं देता है तो उसके रिकॉर्ड किया जाता है किसने कितना दिया। यदि किसी ने 100 रुपया दिया तो फिर उसके यहाँ यदि कोई ऐसा कोई ऑकेजन आता है तो लोग कहते हैं कि 100 रुपया दिया है तो 100 रुपया ही दो, 101 दो, कम नहीं होना चाहिए। ये है अकाउंटेंट। आज तो अकाउंटेंट्स के पास बड़ी सुविधाएं हैं, पढ़ने लिखने और रिकॉर्ड रखने का एक प्रॉपर सिस्टम भी है। बावजूद इसके कभी कभी मुझे पता चलता है कि हिसाब किताब में छोटी मोटी एरर स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है, पर क्या मजाल की गांव में रिकॉर्ड रखने वाले उन लोगों के हिसाब किताब में कभी कोई गलती निकल जाए। इस काम को मैं भी कर चुका हूँ। हमारे यहाँ भी शादी ब्याह रही थी, मैंने जब छोटा था जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी आती थी। अकाउंटेंसी का काम मैंने भी किया है। बिल्कुल एरर फ्री और इस तरह हर एक परिवार में आपको कोई ना कोई अकाउंटेंट मिल जाएगा जो परिवार की आर्थिक व्यवस्था संभालता है। और जिस घर में हिसाब किताब रखने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं उनके घर त्यौहार मनाना या कोई बड़ा कार्य करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली अपेक्षाकृत या कठिन होता है। इसलिए समाज में इन अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा सम्मान है। ऐसे में मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि मैं उन अकाउंटेंट्स के परिवार के मुखिया की भूमिका में हूं जो देश में रक्षा वित्त की व्यवस्था संभाल रहे हैं। और साथियों जैसा कि मैंने अभी कहा दुनिया में सभी संसाधन सीमित हैं, रिसोर्सेज की तक लिमिट है और यही बात किसी राष्ट्र और उसके रक्षा क्षेत्र पर भी पूरी तरह से लागू होती है। ऐसे में संसाधनों का रेशनल विवेकपूर्ण उपयोग हो यह बहुत आवश्यक होता है। और जब मैं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो उससे मेरा तात्पर्य दो बातों से है। पहली कि रिसोर्सेज का सही जगह पर उपयोग, दूसरी उनकी किसी प्रकार से वेस्टेज न हो। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न्ड वाली बात रिसोर्सेज पर भी पूरी तरह से लागू होती है। आप सभी इस बात से भी अवगत हैं कि देश के कम्बैट रेडीनेस के लिए न केवल संचित वित्तीय संसाधन का उपलब्ध होना आवश्यक है बल्कि इसके लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। अब इसमें देर हो गई तो फिर हमारी कम्बैट प्रिपेयरनेस में स्वाभाविक रूप से रेडीनेस में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी।
क्योंकि निर्णय लेने में की गई देरी से समय और धन दोनों की हानि तो होती ही है, साथ ही से देश की कंपेटिटिवनेस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसे सुनिश्चित करने की दिशा में रक्षा लेखा विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्षा लेखा विभाग का एक प्रमुख कार्य रक्षा मंत्रालय के संगठनों को वित्तीय सलाह प्रदान करना होता है और इस वर्ष रक्षा बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं, जिनके उचित खर्च सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रक्षा लेखा विभाग की है। और मैं रक्षा लेखा विभाग को यह भी सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि कहीं पर मिनिस्ट्री ने कम खर्च किया है आप उनको सजेस्ट करिए खर्च करें, प्रॉब्लम होगी फिर अगले बजट में। ये बार 5.25 लाख करोड़ है, ये मोर देन 6 लाख करोड़ जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि समय पर जो कोई भी हमारे पास फंड है वो खर्च हो। मैं मानता हूं कि हमारे अकाउंटेंट्स की यह भी जिम्मेदारी बनती है और यह सुझाव भी समय समय पर मंत्रालय के जो ऑफिशियल्स हैं जो भी आपके पास जाते हों जिनसे आपका संपर्क आता हो तो समय समय पर यह भी सुझाव आपके द्वारा उन्हें दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि विभाग फाइनेंशियल प्रूडेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए रक्षा सेवाओं को उनके वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जब मैं यहाँ फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात कर रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब एक साधारण समझ रखने वाले इंसान के वित्तीय विवेक से। तकनीकी भाषा में इसे जनरल फाइनेंस रूल्स के नाम से जाना जाता है, यानी फाइनेंस से जुड़े किसी भी ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकारी धन का इस्तेमाल वह उसी विवेक से करेगा जिस विवेक से कोई भी सामान्य इंसान अपने स्वयं के पैसों का इस्तेमाल करता है। सरकारी धन किसी भी मौके पर जरूरत से ज्यादा खर्च न हो, उसमें अथॉरिटी का अपना या किसी अन्य खास व्यक्ति का कोई हित न जुड़ा हो, यह सब फाइनेंशियल प्रूडेंस है। इसे ही फाइनेंशियल प्रूडेंस कहते हैं और ऐसे में रक्षा मंत्रालय में आपके जो प्रमुख रोल्स हैं, चाहे वह फाइनेंशियल एडवाइस देने का रोल हो, अकाउंटिंग बिलिंग और पेमेंट्स का रोल हो या फिर इंटेलेक्चुअल इंटरनल ऑडिट का रोल हो, इन रोल्स को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ। आप लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इस कार्य में पिछले कुछ समय में एक प्रतिमान स्थापित किए हैं, अनेक प्रतिमान आपने स्थापित किया है, एक नजीर आपने प्रस्तुत की है। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथियों, अभी मैं इस कॉन्फ्रेंस के सेशन देख रहा था, यहाँ मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो विभाग की सेवाओं में बढ़ोतरी करने, विभाग के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को और अधिक इम्प्रूव करने की दिशा में निश्चित रूप से यह सहायक होंगे। इसमें से कुछ सेशन का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। मैंने देखा कि कॉन्फ्रेंस का एक सेशन इफिशियंसी ऑफ IFS सिस्टम एंड एड टू इफेक्टिव डिसीजन पर केंद्रित है, जिसमें वित्तीय सलाहकारों को नवीनतम डेलीगेशन और फाइनेंशियल पावर्स से परिचित कराया जाएगा। सही समय पर वित्तीय सलाह प्रदान के लिए डोमेन एक्सपर्टीज के साथ क्लाइंट की जरूरतों की संवेदनशील समझ होना भी, यह भी मैं मानता हूं कि यह आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि IFA CFA का जेम पोर्टल पर इंटीग्रेशन जून 2022 से प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रोक्योरमेंट कॉन्करेंस और सैंक्शन की प्रोसेस डिजिटल हो गई है। इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आएगी और साथ ही साथ पारदर्शिता के साथ साथ शुचिता भी आएगी। ऐसे में यह सेशन फाइनेंशियल पावर्स की डेलीगेशन और डिसीजन मेकिंग से जुड़े मुद्दों की समझ में बहुत सहायक होगा, ऐसा भी मेरा मानना है। मैंने देखा कि सम्मेलन का एक सत्र एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट पर भी है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलायबल ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण इनपुट देगा। इसी तरह एक सत्र ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी डेडिकेटेड है, जिसमें विभाग की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी पर भी चर्चा होगी।
जिससे बिहार में लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, स्वाभाविक है बढ़ोतरी होगी। साथ ही विभाग से मेरी यह अपेक्षा रहती है कि पेमेंट सर्विसेज के सभी बेनिफिशरीज यानी सैनिक, पेंशनधारी हों और थर्ड पार्टी, सभी को सही समय पर सही भुगतान मिले। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में कहीं कोई समस्या है तो उसका भी त्वरित और निष्पक्ष समाधान हो। इसी के चलते हमारी पिछली मुलाकात में मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तर्ज पर एक फेसलेस मैकेनिज्म स्थापित करने की बात भी मैंने आज के साथ 2 साल पहले की थी, और मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि कॉन्फ्रेंस में एकत्र आप लोगों ने फेसलेस ट्रांजेक्शन्स इन डिफेंस एज ए मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी पर भी रखा है, जिससे डिफेंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में पारदर्शिता का मार्ग स्वाभाविक रूप से प्रशस्त होगा। साथियों, आज आप जब इतने महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं, मैं भी कुछ बातें आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा जिस पर आप सभी लोग चर्चा करें और एक आउटकम के साथ सामने आए। आप लोगों को यह हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो एडवाइस देते हैं या जो आप ऑडिटिंग करते हैं उसका प्रभाव और परिणाम केवल सर्विसेज अथवा क्लाइंट्स तक ही नहीं रहता है, उसका प्रकारांतर से एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। और आपकी एडवाइस से अगर सर्विसेज या मंत्रालय द्वारा सरकारी खर्च में कुछ बचत होती है तो उस देश के हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या अन्य विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। यह पैसे प्रकारांतर से देशवासियों से ही आते हैं, ऐसे में देश का पैसा देश में कहां सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से लगना चाहिए इसके निर्धारण में भी आप अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। पर साथियों, कई बार क्या होता है कि इस सर्विस में आने के बाद ऑफिसर्स केवल नंबर्स और आंकड़ों में खेलने लगते हैं और धीरे धीरे वे नंबर आंकड़े ही उनकी दुनिया बन जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एडवाइस देते समय या ऑडिट करते समय उन नंबर्स का बैकग्राउंड भी देखें, एक होलिस्टिक माइंडसेट से उसका परिप्रेक्ष्य भली भांति समझें। कहीं पर कोई गलती यदि नजर आ रही है उसे पॉइंट आउट करने में बिल्कुल हेजिटेट न करें, यह मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। और कहीं यदि कोई गलती केवल इसलिए न निकालें, कहीं गलती इसलिए भी न निकालें क्योंकि आपको गलती निकालनी ही है और आपके पास गलतियां निकालने का अधिकार भी है, इसलिए केवल गलती नहीं निकाली जानी चाहिए। इसे आप यूं समझिए कि ऑडिटर्स का काम फाइनेंस सिस्टम में वॉचडॉग का है या एक प्रहरी का है, और कुछ ऑडिटर्स ब्लड हाउंड का कार्य करने लगते हैं, क्षमा कीजिएगा, और हमारे अंदर कहीं ऐसी मानसिकता न पनपने लगे जिसका भी हमें पूरा ख्याल रखना है, इसके प्रति हमें सजग रहने की आवश्यकता है। आप ध्यान दें कि आपको भले ही कंट्रोल कहा जाता हो पर आप कंट्रोलर नहीं बल्कि कोलैबोरेटर की मानसिकता से अपना कार्य करें, कंट्रोलर नहीं बल्कि कोलैबोरेटर की मानसिकता से, इस माइंडसेट से आपको काम करने की जरूरत है। क्लाइंट के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड होकर काम करें, क्योंकि मैं देखता हूं कभी कभी क्लाइंट की क्या हालत होती है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यह दोनों पार्टीज के लिए लाभकारी होगा, दोनों पार्टीज के लिए। और जब मैं आप सभी से इंटीग्रेटेड होकर काम करने की बात कर रहा हूं उसके साथ एक और सावधानी बरतने की हमें जरूरत है। आप ध्यान में रखें कि क्लाइंट के साथ इतना भी व्यवहार न बढ़ जाए, अब आगे की बात समझ गए, इतना ही व्यवहार न बढ़ जाए कि आप अपने कमेंट्स रखते हुए हेजिटेट करने लगे। आप लोगों ने पूरी यानी कमल की जो पत्ती होती है उसको देखा है, वह लगातार पानी में रहते हुए भी कभी गीली नहीं होती है, यानी उससे प्रभावित नहीं होती है, पानी से प्रभावित नहीं होती है कमल की पत्ती। अब मैं कमल नाम ले रहा हूं, कहीं इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन न कर। इस बैलेंस का आपको भी हमेशा ध्यान रखना है। कोई डिसीजन लेते समय आप लोग एग्जीक्यूटिव के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें और उनकी कंसर्न को समझें, तब कोई डिसीजन लें, यह मेरा आपसे सुझाव है। मैं समझता हूं कि यह रक्षा व्यवस्था और रक्षा वित्त दोनों के लिए यह लाभदायक होगा।
साथियों इनके साथ ही मीन्स इन सबके साथ ही मैं समझता हूँ रक्षा लेखा विभाग को अपने अंदर सुधारों की एक प्रक्रिया भी चलाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हमको अपनी आईटी कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल नॉलेज आज डेवलप करनी चाहिए ताकि हम और अधिक इफिशियंसी के साथ ऑडिट एट अकाउंटेंसी इत्यादि का काम कर सकें। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलते रहना चाहिए और आप सभी जितनी सक्रियता और तत्परता के साथ काम करेंगे हमारी रक्षा व्यवस्था को अपनी मजबूती बनाए रखने में उतनी ही आपकी मदद मिलेगी। इसी तरह इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म को भी बेहद मजबूत करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा समझता हूं। रक्षा वित्त विभाग को ये इसकी विशेष आवश्यकता है और जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप सभी डिफेंस फाइनेंस सिस्टम में वॉचडॉग और प्रहरी की भूमिका निभाते हैं, पर कई बार देखा जाता है कि प्रहरी स्वयं दीवार में सेंध लगाना शुरू कर देते हैं और व्यवस्था की कमियों का गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। क्षमा कीजिए, कुछ बातें हैं जो कि अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसे में अगर हमें कहीं कुछ बैड एप्पल्स दिखाई देते हैं तो उनके भी खोजे जाने और छांट कर अलग किए जाने की जरूरत। किसी अधिकारी के कामकाज में संदेह दिखाई देता है तो उसका त्वरित रिव्यू किया जाना चाहिए और कोई शंका शिकायत है तो उसका तुरंत निपटान भी किया जाना चाहिए, उसका निस्तारण भी किया जाना चाहिए। और अगर विभाग में कुछ ग्रीवेंसेस पेंडिंग में है तो वीकली अथवा मंथली उनकी ऑडिट का भी प्रोविजन किया जाए और यथासंभव उन पर कार्रवाई भी की जाए। साथियों आप सब जानते हैं कि फाइनेंस की दुनिया लगातार और अधिक कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और इस क्षेत्र में रोजाना नई नई समस्याएं उभरकर सामने आती जा रही हैं। ये सब सारी समस्याओं के बावजूद हमारे कंट्री की इकोनॉमी की साइज भी बड़ी होती जा रही है। कहां हम 2014 में था 9th और 10th पोजिशन पर थे ना, वही थी ना, आज हम दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़े होते हैं। इन सब के बावजूद इसलिए हमारे अधिकारियों को नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जाए, समय समय पर उनका इसके लिए टेस्ट लिया जाए, उनके अपडेशन के लिए सेमिनार्स वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराए जाएं, ये आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस पर भी एक बार विचार विमर्श करें। साथियों मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में उपरोक्त मुद्दों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा निश्चित रूप से होगी, जिससे सभी जितने भी हमारे कंट्रोलर हैं वो लाभान्वित होंगे और विभाग किसी ठोस निर्णय पर पहुंचकर उस पर पूर्ण रूप से अमल करेगा। कहा भी गया है कि वर्किंग हैंड्स आर बेटर देन टॉकिंग लिप्स, वर्किंग हैंड्स आर बेटर देन टॉकिंग लिप्स। मैं ये भी चाहूंगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विभाग को आवश्यक सहयोग दें ताकि विभाग द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स का सभी को पूरा लाभ मिल सके। और आपके कार्यक्रम में देखिए हमारे एक सर्विस से बाहर है लेकिन दो सर्विसेज के चीफ यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी बात तो पक्की है जिनका सहयोग। आखिर में मैं भारतवर्ष के हर कोने और कमान से आए जितने भी हमारे कंट्रोलर हैं और हमारे वित्तीय सलाहकार हैं उनको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको। और मैं ये कामना भी करता हूँ कि विभाग का भविष्य भी उतना ही गौरवशाली हुआ जितना कि उसका अतीत रहा है, यह मैं विश्वास अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ। आप सबके नेतृत्व में यह विभाग निष्ठा और लगन से अपना उत्तरदायित्व तो निभाते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय और रचनात्मक भूमिका यह निभाता रहेगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। और इस अवसर पर इससे अधिक कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि अकाउंटेंसी के काम में बोलना कम चाहिए कलम ज्यादा चला लीजिए, मैं विभाग में चल रही समस्त योजनाओं की सफलता के लिए भी अपनी कामना करता हूँ और मैं आप लोगों के भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करते हुए यहीं पर अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।